फ्रेंड पावर प्लांट डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आया, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एएफबीसी एंड सीएफबीसी। जैसे टॉपिक के ही नाम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे एएफबीसी यानी एटमोस्फेरिक फ्लूइड बेड कंबस्टन और सर्कुलेटिंग फ्लूइड बेड कंबस्टन दोनों बॉयलर के बीच में क्या अंतर है, जिसकी वजह से हमको एएफबीसी बॉयलर बनाया गया और हमारा सीएफबीसी बॉयलर बनाया गया। बहुत सारे दोस्तों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है, तो जितने भी दोस्त हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड आज का जो अपना टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एएफबीसी एंड सीएफबीसी को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि एएफबीसी का मतलब क्या हुआ और सीएफबीसी का मतलब क्या हुआ। तो एएफबीसी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन बॉयलर, और सीएफबीसी स्टैंड फॉर सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सर्कुलेटिंग यानी इसके अंदर जो बेड है वो सर्कुलेट रहेगा और हमारा एएफबीसी के अंदर सर्कुलेट नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं क्या क्या इन दोनों बॉयलर के अंदर क्या डिफरेंस है और क्यों यह बॉयलर दोनों बनाया गया। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग अज्यूम करते हैं, जो पहला है वो विंड बॉक्स प्रेशर को देख लेते हैं कि एएफबीसी में विंड बॉक्स का जो प्रेशर है वो हम लोग मेंटेन करते हैं 500 टू 600 एमएम डब्ल्यूसी, ठीक है। वही अगर सीएफबीसी बॉयलर की बात किया जाए तो यहां पर हम लोग मेंटेन करते हैं 1000 से लेकर 1200 एमएम डब्ल्यू सी विंड बॉक्स मेंटेन करते हैं। अगर बात किया जाए सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो सेकेंड पॉइंट जो है हमारा कंबस्टन प्लेस, यानी एएफबीसी बॉयलर में जो मेनली कंबस्टन होता है वो इन बेड में होता है, मेनली हमारा बेड में होता है, बट हमारा जो सीएफबीसी में है वो बेड में भी होगा और सस्पेंशन में भी होगा, यानी हमारा बेड में भी होगा एंड सस्पेंशन कंबस्टन होगा, यानी ऊपर में जो हम लोग सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, वो कंबस्टन के लिए ही मेनली यूज होता है। तो वहां पे क्या होगा, हमारा बेड के अंदर भी कंबस्टन होगा और हमारा सस्पेंशन में भी होगा। इसमें क्या होता है, मेनली हमारा बेड में ही देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा एक डिफरेंस। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कंबस्टन एफिशिएंसी। कंबस्टन एफिशिएंसी की बात करें तो एएफबीसी का सीएफबीसी से क्या होता है, कम होता है, और सीएफबीसी में जो होता है इसका कंबस्टन एफिशिएंसी क्या होता है, हायर होता है एएफबीसी के द्वारा। तो इसका जो है कंबस्टन एफिशिएंसी एएफबीसी का वो नॉर्मली आता है 97% और इसका जो होता है कंबस्टन एफिशिएंसी वो होता है 98% या मोर देन हायर देन मोर। तो ये चीज हो गया हमारा कंबस्टन एफिशिएंसी, इसका क्या हो गया रिड्यूस है, इसका थोड़ा सा ज्यादा है। तो यह हमारा तीन पॉइंट हो गया एएफबीसी और सीएफबीसी का डिफरेंस। और देख लेते हैं कि और क्या डिफरेंस है जिसके वजह से हम लोग एएफबीसी और सीएफबीसी दो बॉलर बनाने की जरूरत पड़ी। तो सबसे चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है एस रीसर्कुलेशन। तो देखिए जैसे कि एएफबीसी में क्या होता है, एस का रीसर्कुलेशन नहीं होता है, जबकि सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बेड जो है वो सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से एक हमारा क्या है रीसर्कुलेशन सिस्टम दिया रहता है, जो कि जिसके थ्रू हमारा जो पूरा 100% जो एस है वो रीसर्कुलेट होके रीबैक होके हमारा रिसाइकल होके हमारा कहां पर आ जाता है, फिर से हमारा फर्नेस में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, एस रीसर्कुलेशन होता है। तो ये चीज हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट जो देख लेते हैं वो है हमारा अनबर्नड। तो जब हमारा रीसर्कुलेशन होगा बेड का तो उसके अंदर जो अनबर्नड है वो रहने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो इसकी अगर बात करें तो सीएफबीसी में हमारा रीसर्क जो हमारा अनबर्नड पार्टिकल्स है वो कम मिलेगा, इसमें क्या होता है मोर होता है, यानी इसमें थोड़ा सा सीएफबीसी के अकॉर्डिंग एएफबीसी में थोड़ा सा ज्यादा होता है और सीएफबीसी में क्या होता है एएफबीसी की अपेक्षा कम होता है। तो ये हमारा पांच पॉइंट हो गया। जो छठा पॉइंट है वो है एयर डिस्ट्रीब्यूशन। एयर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि पता चल रहा है कि हम लोग एयर कंबस्टन करने के लिए देते हैं, एएफबीसी में जो है नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा पीए प्लस एफडी प्लस ए से, जबकि सीएफबीसी में मेनली मिलता है
PA प्लस ए से, कंबसन के लिए PA प्लस ए से देते हैं। तो जो इसमें जो सेकेंडरी एयर है वो नॉर्मली 20% देते हैं, और जो प्राइमरी और FD दोनों यानी कंबसन के लिए जो ये दोनों मिल के जो है वो कितना हो जाएगा 80% देते हैं। वैसे ही प्राइमरी एयर जो इसमें देते हैं कंबसन के लिए वो कितना होता है 60% होता है, और सेकेंडरी जो होता है वो 40% देते हैं। तो यह जो हमारा है एक डिफरेंस हो गया कि एफबीसी में जो सेकेंडरी है वो इतना देते हैं, इसके अंदर सेकेंडरी क्या है थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, इसमें कम देते हैं इसमें ज्यादा देते हैं। तो ये चीज होगा हमारा एक और डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, फ्यूल फीडिंग। जो एफबीसी बॉलर में जो फ्यूल फीडिंग होता है नॉर्मली हमारा जो होता है अंडर फीडिंग, ठीक है, और इसमें क्या होता है ओवर फीडिंग। ओवर फीडिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा फर्नेस है फर्नेस के ऊपर से साइड से हम लोग क्या करते हैं उसको फीडिंग प्रोवाइड करते हैं, और अंडर फीडिंग का मतलब क्या होता है फर्नेस के हमको नीचे से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो यह क्या होता है एफबीसी मेनली फ्यूल फीडिंग सिस्टम में देखा जाएगा तो अंडर फीडिंग है, और यह क्या है ओवर फीडिंग, यानी ओवर फीडिंग हमारा यह होगा सीएफबीसी बॉलर देखने को मिलता है। अगर फर्नेस साइज, नेक्स्ट जो डिफरेंस है फर्नेस साइज की बात करें तो एफबीसी का क्या होता है लेस होता है, और इसका क्या होता है मोर होता है कंपेयर टू एफबीसी। एफबीसी से क्या होता है इसका सीएफबीसी का फर्नेस एरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और एफबीसी का है सीएफबीसी के कंपेयर में कम होता है। नेक्स्ट जो हमारा है एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी की अगर बात करें तो इसके अंदर हमारा 1.8 मीटर पर सेकेंड से लेकर हमारा कितना होता है 3.9 या 3 मीटर पर सेकेंड तक हमारा क्या होता है 3 मीटर पर सेकेंड तक हमारा इसका एयर वेलोसिटी होता है। वही अगर बात किया जाए सीएफबीसी बॉलर का तो यह 10 मीटर पर सेकेंड से लेकर 12 मीटर पर सेकेंड तक हमारा सीएफबीसी का एयर वेलोसिटी होता है। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि टेम्परेचर, बेड टेम्परेचर का क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा लेस होता है इसके कंपेयर में, इसमें थोड़ा सा क्या होता है हाई होता है। तो यह कुछ पॉइंट है जो कि मैंने शेयर किया, अगर आप लोग के दिमाग में भी अगर कुछ पॉइंट्स है, एफबीसी बॉलर में भी कुछ दोस्त काम करते होंगे, कुछ सीएफबीसी बॉलर में भी काम करते होंगे, तो आप लोग अपना नॉलेज भी यहां पे शेयर कीजिए। यह जो चैनल है केवल डिस्कस के लिए बना है, पावर पॉइंट डिस्कशन, तो आप लोग भी अपना डिस्कस कीजिए, जितने भी आप लोग का नॉलेज है प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए कि ये भी डिफरेंस है भाई, तो आप उसको जरूर शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू सो मच।